हाय गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेरा नाम मोहम्मद ख़ान है और हम लोग ये पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में पढ़ेंगे अबाउट जेनरेटिव ए आई एंड प्रोम इंजीनियरिंग हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या है प्रोम्ट इंजीनियरिंग क्यों यूज़ करना और ये चीज़ आपको आपके जॉब में सक्सेसफुल बनाने के लिए या फिर आपके प्रोड आपकी प्रोडक्टिविटी को टेन टाइम्स इंक्रीज़ करने के लिए कैसा काम आ सकती सो so, हम लोग सब कुछ पढ़ेंगे इमेज जनरेशन ये ए आई मॉडल्स कैसा काम करते चैट जी पी टी कैसा काम करता बिल्कुल रियल लाइफ एग्जाम्पल्स के साथ सो so, बने रहिए लास्ट तक एंड पूरा कोर्स देखो आई एम टेलिंग यू ये आपके लिए बहुत अच्छा हो सकता सो so, अगर आप लोग न्यू हैं तो मेरा चैनल चेकआउट करो अगर पसंद आया तो लाइक करो सब्सक्राइब करो एंड सब्सक्राइब करें और लाइक करें तो मैं और वीडियोस बना दूँ मुझे मोटिवेशन आता एंड आई एम नॉट गोना वेस्ट एनी टाइम लेट्स डायरेक्टली डाइव इन टू द कोर्स एंड लेट्स गेट स्टार्टेड हाई गाइज सो वेलकम बैक टू द कोर्स और हम लोग ये कोर्स में पढ़ेंगे वॉट इज़ इंट्रोडक्शन अबाउट ए आई वॉट इज़ जनरेटिव ए आई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग एंड थोड़े एग्जाम्पल्स बतातूँ मैं जिससे आप लोग को समझ में आता है ये कोर्स क्यों करना है आप लोगों को सो आई विल बी शेयरिंग अबाउट एवरी थिंग रिलेटेड टू दिस पर्टिकुलर टॉपिक वीडियो एंड तक देखो बहुत इम्पॉर्टेंट है एंड आई थिंक इट विल भी वेरी हेल्पफुल फॉर यू सो लेट स्पीक अबाउट इंट्रोडक्शन टू ए आई टू इंट्रोडक्शन टू ए आई ए आई का मतलब क्या है बेसिकली ए आई एक फील्ड है विच पीपल हैव क्रिएटेड स्मार्ट एल्गोरिदम्स जो खुद ही सीखते विथ वॉट एवर डेटा इट गेट्स टू गिव यू एन एग्जाम्पल आप शायद इंस्टाग्राम पर रील्स करोलिंग करते आप शायद यूट्यूब पे वीडियोस देखते तो अब कभी सोचें आप लोग को ख़ुद ही ऑटोमेटिकली वो चीज़ के बारे में आप जो चीज़ देखते मान आप गेमिंग वीडियोज़ देखते तो ऑटोमेटिकली वैसे वाले वीडियोज़ आपको सजेस्ट करते रहते हाउ डज दैट वर्क सो बेसिकली फर्स्ट इट अंडरस्टैंड्स कि आप कैसा तरीके का कंटेंट देखते एंड बेस्ड ऑन दैट उन्हें सीख कर आपको वैसा तरीके का कंटेंट ही बताता तो आपको वो चीज़ समझने की ज़रूरत है कि ये एआई है दिस दट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सो ए का एक सब पार्ट है एक हिस्सा है उसका नाम है जेनरेटिव ए आई सो जनरेटिव ए का मतलब ये है अपने लेमन जबान में बेसिकली जेनरेटिव ए आई रिफर्स टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस दैट कैन बी यूज टू क्रिएट न्यू कॉन्टेंट अगर मान लो मैं एग्जाम्पल दूँ आपको तो अगर मान लो अगर आपको कंटेंट बनाना है कुछ भी ईमेल लिखना है या फिर इमेज जनरेट करना है ऐसा जो भी है आप जो है सो जनरेटिव एआई के थ्रू बना सकते हैं पहले ज़माने में पहले ज़माने का मतलब दो तीन साल पहले ह्यूमंस कर सकते थे वो सिर्फ खाली अपन वी वी आर सेल्फ हैड टू जेनरेट वी आर सेल्फ हैड टू नो राइट मेल्स एंड एवरी सो छोटी जमाने में बोलूँ तो जेनरेट जेनरेटिव ए आई कैन क्रिएट स्टफ सो जेन ए आई इज एक्सपेक्टेड टू सिग्निफिकेंटली चेंज द वे वी वर्क एंड लिव बहुत सारे जॉब्स जा सकते बहुत सारे जॉब्स क्रिएट हो सकते ये सब चीज़ें हो सकते सो द वेरी फर्स्ट थिंग दैट आई वॉन्ट टीच समथिंग कॉल्ड प्रोमड सो जनरेटिव ए आई का सबसे मेन हिस्सा है प्रोम्ड सो आई एम ब्रेटी श्योर आप लोग चार जी पी टी या कुछ भी यूज़ करे होंगे जब जब आप लोग यूज़ कर रहे हैं आप जब ना उसको कुछ क्वेश्चन पूछते हैं वो क्वेश्चन जो आप पूछते हैं उसको उसका मतलब है प्रॉम्प्ट आप उसको क्या प्रॉम्प्ट दे रहे सो बेसिकली द प्रॉम्प्ट दैट यू आर गिविंग इट आई मीन आप कैसे तरीके का प्रॉम्प्ट दे रहे हैं वो प्रॉम्प्ट से आपको करेक्ट आंसर आ रहा या नहीं वो वो उसको रिफाइन करने का मतलब प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है टू गिव एन एग्जाम्पल कि बाई प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट एंड बाई दिस कोर्स ये कोर्स कम्प्लीट क्यों करना है यहाँ पे मैं लिखा नाइन टू थ्री मैं पूछा नाइन टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन्टी नाइन क्या है तो अगर मेरा स्क्रीन आप लोग को दिख रहा नाइन टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई यहाँ से हटा दो नाइन टू थ्री मल्टीप्लाइड बाई नाइन नाइन वन थ्री थ्री सेवन है ठीक है वो सही निकला ठीक है दैट्स करेक्ट देन अगर मैं फिर से पूछा उसको वाट इज़ नाइन टू टू वन मल्टीप्लाइड बाई नाइन नाइन टू थ्री फोर नाइन टू टू वन मल्टीप्लाइड वाई नाइन नाइन टू थ्री फोर ये नाइन वन फाइव ज़ीरो थ्री सिक्स सेवन फोर है राइट और इसका आंसर आप लोग देखो बिल्कुल गलत है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आई टेल यू व्हाई मैं आगे के लेक्चर्स में बताऊंगा कि क्यों ऐसा इन्हें गलत आंसर निकाल रहा वो आ, वो बाद में बताऊंगा मैं बट फॉर नाउ अभी इसको रिफाइन करने के लिए मैं इसको ऐसे तरीके से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ दैट इट डजेंट मेक अ मिस्टेक मैं पहले पूछा व्हाट इज दिस मैं बोला लेट्स गो स्टेप बाय स्टेप बारी बारी जाएंगे इसके बारे में और ये श्योर करो कि आंसर करेक्ट है या नहीं एंड ऑल्सो एनालाइज द नंबर्स प्रॉपरली ये सब मैं उसको प्रॉपर मतलब पूरा उसको समझा दे रहा हूँ कि भाई तू ये ये कर तो उसके ऊपर इन्ह बेसिकली बड़ा आंसर दिया लेट्स ब्रेक डाउन द मल्टीप्लीकेशन स्टेप बाई स्टेप एंड वेरीफाई द रिजल्ट केयरफुली सो Uh, यहाँ पे दो नंबर्स वेरीफाई करना है एंड इन दी एंड आप लोग गौर कर सकते हैं कि ये जो आंसर आया और मेरे पास जो आंसर है नाइन वन फाइव जीरो थ्री सिक्स सेवन वन फोर ये दोनों आंसर करेक्ट है और नैशनल वेरीफाई भी कर ले रहा दिस मैच इज़ द करेक्ट मल्टीप्लीकेशन रिजल्ट सो इसका आंसर ये है सो विच इज़ वाई विच इज़ वाई दिस पर्टिकुलर थिंग दैट आई एम टीचिंग इज़ नीडेड विच इज़ वाई हमें प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग की ज़रूरत है और आगे के लेक्चर्स में आप मैं आप लोगों को ये बताऊंगा कि टेक्निक्स क्या क्या है मतलब डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स है, है प्रॉम्प्ट्स देने के लिए व्हाट आर टोकन्स एंड एवरीथिंग ये सब मैं आप लोगों को बताऊंगा सो डोंट वरी अबाउट इट एवरीथिंग फॉर फ्री एंड या सो सी ऑल गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर